हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है ब्रिजिटन। इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो क्या अब आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं, वो सब कुछ मैं बताऊँगा एकदम डिटेल में। तो यार इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को आपके व्हाट्सअप या फेसबुक जहाँ भी ग्रुप है वहाँ पर इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, साथ साथ मोटिवेशन भी मिलेगा। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। करेंगे सीरीज की, तो कहानी शुरू होती है गवर्नर्स स्क्वायर लंदन 1813 से, जहाँ पर हमें एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। अब ये लेडी का नाम है लेडी विसलडाउन, जो कि इस पूरे शो को नरेट भी कर रही है और साथ साथ ये एक राइटर भी है। और इस टाउन में जितनी भी गॉसिप्स होती है, यानी कि जो चुगली चमारी होती है, उसके बारे में ये एक न्यूज़पेपर पे लिखती है और ये न्यूज़पेपर इस टाउन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस टाउन में जितने भी लोग रहते हैं उनको ये पता ही नहीं कि लेडी विसलडाउन आखिर है कौन। इस शो की कहानी इस लेडी पर नहीं है, कहानी शुरू होती है तब जब इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट सीज़न होता है, और वो होता है शादियों का, जहां पर इस टाउन में या आसपास की जितनी भी लड़कियां होती है, जो कुंवारी होती है, जिन उनकी जो मदर्स होती है, वो उनको इस सीजन में लेकर आती है और यहाँ पर उनको पार्टिसिपेट कराती है, जहाँ पर अलग अलग राउंड्स होते हैं। और इन राउंड्स में जितने भी लड़के हैं जिनको शादी करना है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग लड़की को पसंद करते हैं, फिर उसके बाद उनकी शादी होती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी शो की 3 मेन फैमिली की। सबसे पहली फैमिली है मिस फेदरिंगटन, इनकी 3 बेटियां हैं, और दूसरी फैमिली है मिस ब्रिजिटन, जिनके 8 बच्चे, 4 लड़कियां और 4 लड़के। मिस ब्रिजिटन अपनी मिस ब्रिजिटन या नाम प्रोनाउंसिएशन में कितनी प्रॉब्लम होती है, इनकी बड़ी बेटी डेफनी की शादी करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरह से डेफनी को एक अच्छा लड़का मिल जाए, साथ पैसे वाला भी हो। तीसरी फैमिली है हेस्टिंग फैमिली, जिसमें अभी अभी साइमन द ड्यूक ऑफ हेस्टिंग बने, और साइमन की प्रॉब्लम ये कि ये शादी करना नहीं चाहते। अब वो क्यों करना नहीं चाहते वो भी हमें इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर बस आपको इस सीरीज में ही देखना कि इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि मुझे काफ़ी यूनिक लगा, काफ़ी डिफरेंट लगा। हालांकि मैं वो रोमांटिक नॉवेल्स कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जिस नॉवल पर ये बनी है, अब मुझे पता नहीं कि कितना एग्जैक्ट बनी है, लेकिन जब मैंने इस शो को देखा तो ये शो मुझे अच्छा लगा। और इस शो को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया ना, वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि 1-1 घंटे के एपिसोड होने के बावजूद भी मैं पर्सनली कहीं पर भी बोर हुआ नहीं। खैर, उसके अलावा शो में आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, और साथ साथ उन कैरेक्टर के अच्छे और बुरे दोनों ही साइड हमें इस शो में देखने को मिले। साथ साथ यहाँ पर हर एक कैरेक्टर का अपना एक प्लॉट देखने को मिलेगा, इवन जितने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके भी आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप उन सारे कैरेक्टर्स से इजीली कनेक्ट रहते हो इस पूरे शो में। उसके अलावा 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। पहले तो साइमन और डेफनी, इन दोनों के बीच में जो जो चीज़ें बताई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ऐसी चीज़ें जो मतलब आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। और लेकिन मेरे 2 लवेबल कैरेक्टर है, वो है मिस पेनोलोपी और मिस एलोस। इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी शो को देखोगे तो मिस पेनोलोपी तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। खैर, अगर शो में सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यार काफ़ी कलरफुल, काफ़ी ब्राइट शो है, और जिस तरह से उन्होंने 1813 का जो ईरा को रिक्रिएट किया, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और शो में जिस तरह से कॉस्ट्यूम्स बताए, मुझे पर्सनली कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगे, और जो जो कॉस्ट्यूम साइमन ने पहना है ना यार, वो तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर इस तरह के कॉस्ट्यूम अगर मुझे मिल जाए तो यार एक अलग ही बात हो जाएगी, क्योंकि वो एक अलग ही दौर था और उसमें जो पहनावे थे वो बिल्कुल अलग थे, और उसको इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, जो कि बहुत मज़ा आता है देखने के लिए। क्या शो की अगर BGM की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि हम कोई स्टेज प्ले देख रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड से लेके एंड तक जो इसका BGM है ना, आपको बहुत ही मज़ेदार लगता है, और हर एक सीन में आपको अलग अलग BGM सुनने को मिलता है, जो कि शो का हाईलाइट भी है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, बहुत ही रियलिस्टिक वे में निभाया। मतलब जब आप उनको इस पूरे शो में देखते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग ऐसा लगता है कि आप लोग रियल में उन लोगों को देख रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात करेंगे शो की नेगेटिव पॉइंट की, तो मुझे एक ही चीज़ लगी, वो है इसके एडल्ट सीन्स। यार किसिंग सीन, न्यूड सीन, और एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सीरीज़ अच्छी है, वहाँ पर इतने सारे एडल्ट सीन डाल दिया है ना, तो वो
मज़ा ख़राब हो जाता है और रिपीटेड लगने लगता है, यानी कि वही सेम चीज़ हम रिपीट हर एक एपिसोड में देख रहे हैं, तो यार वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक चीज़ ऐसी जो मुझे शो की नेगेटिव लगी। बाकी अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एडल्ट सीन है, तो इस वजह से आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। मुझे कुछ यूनिक डिफरेंट लगा और मैं इस शो को लेकर कहीं से भी बोर हुआ नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है उसका मुझे नहीं पता, और आप लोग को मैं इतना ही बोलूँगा कि शो के स्टार्टिंग का 2 एपिसोड देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू करो, लेकिन अगर जो लोग एडल्ट सीन देखना पसंद करते हैं तो यार उनको बोलूँगा 5th एपिसोड के एंड में देखो, 6th एपिसोड देखो, उनको वहाँ पर एपिसोड में बहुत ही भर भर के एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन जिसको कुछ अलग रोमांटिक शो देखना है तो चेकआउट करो, मज़ा आ जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। टिल देन बाय।